हेलो गाइस, एट द रेट आकाश पवार, लेट्स ट्रेड टुगेदर चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये आज का बैंक निफ्टी का लाइव चार्ट है जो यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप। मार्केट चल रहा है। वीडियो में आज मैं आपको जो मेरा सेटअप है, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग क्या कैसा मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, यही मेरा जो व्यू है वो व्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एज अ डिस्क्लेमर आपको बता दूँ कि अपने इस चैनल की तरफ से जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ, जो भी यहाँ पे मैं मेरा व्यू जनरेट करता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे स्किल और मेरे नॉलेज के बेस पे करता हूँ। और अपनी चैनल की तरफ से कोई भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। सो मैं मेरे स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर मैं अपना व्यू जो है वो यहाँ पर शेयर करता हूँ। सो होप आपको समझ में आया होगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए, ये लाइव चार्ट है यहाँ पे बैंक निफ्टी का 6 दिसंबर का, जहाँ पे आप मार्केट को चलता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे आप मेरा सेटअप भी देख सकते हैं। सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर एक मेरा सेटअप पे लगाया है, एक EMA का इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है चार्ट पे, जो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है। और नीचे मैंने मार्केट की स्ट्रेंथ पता करने के लिए एक ADX का इंडिकेटर लगाया हुआ है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे। सो अभी फ़िलहाल मार्केट में क्या चल रहा है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, क्या समझ में आ रहा है आपको मेरे सेटअप पर, मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ, कैसे ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ, क्या कन्फर्मेशन मुझे लेनी है, इसका वीडियो, मैजिकल वीडियो मैंने डाला हुआ है चैनल पे, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मार्केट में क्या चल रहा है ये थोड़ा सा मैं देखने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ पे मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो भी मेरा सेटअप है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा है। हालांकि यहाँ पे कैंडल जो है, एक कैंडल EMA के ऊपर ट्रेड प्लान कर रही है, मतलब EMA के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रही है, मतलब EMA को टच भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंगल कन्फर्मेशन के साथ जाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो ट्रेड प्लान करूँ वो मैं सेफ और सिक्योर करूँ और मैं ट्रैप ना हूँ वहाँ पे, है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं एक सिंगल कन्फर्मेशन तो बिल्कुल ये नहीं, मतलब ट्रेड प्लान नहीं करूँगा एक सिंगल कन्फर्मेशन पे। सो मैं वेट करूँगा मेरे प्रॉपर सेटअप का, कि मुझे मेरे तीनों इंडिकेटर्स मुझे इंडिकेट करे, मेरा प्रॉपर तरीके से सेटअप बने, तो मैं ट्रेड वहाँ पे प्लान करूँगा। अदरवाइज मैं स्किप कर दूँगा, नो प्रॉब्लम, है ना। क्योंकि देखिए, मेरा एक लॉस बचाना, मतलब अगर किसी दिन मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तो मेरा एक वो प्रॉफिट ही है, मतलब मैं लॉस वहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉपर सेटअप मतलब क्या होना चाहिए मेरा, आपको पता है। मैं शॉर्टली यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरा जो यहाँ पे 10 EMA है उसके ऊपर एक कैंडल ट्रेड करनी चाहिए। सुपर ट्रेंड थोड़ा सा कर्व देके ऊपर की ओर होना चाहिए, तो वहाँ पे मुझे दो कन्फर्मेशन मिलेंगे। और मेरी ADX की जो वैल्यू है वो लगभग 30+ होनी चाहिए, मतलब ये 30+ रहेगा तो मुझे वो बताएगा कि मेरा ट्रेंड जो है वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। सो अगर ये तीन कन्फर्मेशन मुझे मिलते हैं तो मैं ट्रेड के साथ जाना पसंद करूँगा, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा तो भी चलेगा। क्योंकि पूरा साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेके फंस के रहना, इससे बेहतर है कि हम स्कीप ही कर दें। सो ये व्यू मुझे यहाँ पर लगता है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरा एनालिसिस, मेरा रिसर्च, उसके बाद मेरे स्किल के आधार पर मैं जो भी यहाँ पे व्यू शेयर करता हूँ, अगर अच्छा लगता है आपको तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल कंसेप्ट मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और ताकि आप उससे सीख पाओ और सीख के अपने ट्रेडिंग जर्नी में उसको, उसकी आपको मदद हो पाए, है ना। सो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।